फ्रेंड्स, बात करें अगर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 12th का सिलेबस, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस को 2023 और 24 में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम लोग को बहुत कम सिलेबस पढ़ना है, तो बेसिकली UPMSP पर ऑफिशियल आ भी गया। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, एक बार बताइए। तो आप लोग NCERT लेकर बैठिए, हम लोग यहाँ पे चैप्टर्स को टिक कर लेंगे कि हमको इस ईयर में 2023-24 के लिए क्या पढ़ना है। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये सारा सिलेबस फोकस बेस्ड 2.0 पे बहुत अच्छे से कवर होगा। तो अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो फोकस बेस्ड 2.0 को ज्वाइन करें, जहां पे बहुत आसानी से यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में 95% आपको गेन करवा दिया जाएगा। आइए बात करते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम न्यू सिलेबस की। ये जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, ये है 2023 और 2024 यानी कि 2023 एंड 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। यहां पे हमको केवल 10 चैप्टर पढ़ना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ सिलेबस है। यहां पे हमको सबसे पहले पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर, इसका मतलब सॉलिड स्टेट कर चुका है। इसके तुरंत बाद हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिर पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो ये PC है। सर ये PC क्या है? ये वाई फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और अगर हम बात करें इनके मार्क बेटस की, तो ये 8 मार्क का, ये 7 मार्क का, ये 7 मार्क का। इसके पिछले सेशन में ये सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं ये कम नंबर के हुआ करते थे, क्योंकि तब हमको 10 या 11 चैप्टर पढ़ना पड़ता था। लेकिन वहां पे उसके पहले, जब कोविड के पहले, 15 चैप्टर हमारे सिलेबस में थे जहां पे ये 5 नंबर के आते थे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो हमारी 8 एंड 7 15 एंड 7 22 मार्क का फिजिकल केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में वेटेज रखता है। वहीं पर हम बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो देयर आर ओनली 2 चैप्टर, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 7, 6, 13। यहां पे 13 मार्क आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहा है। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों हेलो एल्केन, हेलोरीन, एल्कोहल, फिनाइल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बोले तो एमाइन की बात हो रही है, और बायो मॉलिक्यूल। इन सबको मिला के तुम ध्यान से देखो तो 7, 7, 14 एंड 8, 22 एंड 6, 28 एंड 7, 35 मार्क का आपका अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है, 13 मार्क का आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है। इसका मतलब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सबसे पहले तो आपको केवल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, एल्कोहल, फिनाइल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बायो मॉलिक्यूल। यानी कि प्यारे बच्चों अगर हम एक यहां पे रेशियो बनाएं मार्क बेटेज का केमिस्ट्री में, तो यहां पे 22 नंबर आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। तो अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो लगभग इतना हमको फिजिकल केमिस्ट्री आ रहा है, और 50% यानी ये 50% पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये प्यारे बच्चों बहुत कम पोर्शन हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किसको प्रेफरेंस देना है। क्लास 12th के अगर हम एनालाइज करें सिलेबस को, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्लास 12th की केमिस्ट्री की जान रहेगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही फोकस बेस्ट 2.0 में सिलेबस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नीचे किस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस डिस्कशन चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।